Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 1, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Bhalwal. It's science, grade 1. Title of the chapter is Living and Non-Living Things, and it's lecture number 6. Dear students, pichle lecture mein humne non-living things ke baare mein baat ki thi. Yaad hai aapko? और आपने ही मुझे नॉन लिविंग थिंग्स की मुख्तलिफ खसूसियात के बारे में बताया था कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट एंड दे कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट मूव एज वेल. वेरी गुड. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या करना है? वेरी इंटरेस्टिंग. आज के लेक्चर में हमने ग्रुप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करनी है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के कितने ग्रुप्स होते हैं. यस यस, ओके. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. यस, ओके. इससे पहले कि मैं आपको पहले ग्रुप के बारे में बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. आप रात को अपने घर के सेन में या छत पे बैठे हैं और आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या क्या नजर आता है? यस, मून नजर आता है. वेरी गुड. स्टार्स नजर आते हैं. बहुत अच्छे जी. और दिन को जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको सन नजर आता है. जी हाँ. जरा सोचें, क्या इन चीजों को, मून, स्टार्स और सन को, किसी इंसान ने बनाया? जवाब आया नहीं, ये तो अल्लाह ने बनाए हैं. यानी दीज थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन. तो इसीलिए हम ऐसी चीजों को कहते हैं दीज आर नेचुरल थिंग्स. और नेचुरल थिंग्स के बारे में मैंने अभी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी. दीज थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन. ये किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं, बल्कि ये नेचर में बहुत अरसे से मौजूद हैं. जी हाँ, इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. ओके, अब आप भी कुछ सोचें और मुझे बताएं कुछ और एग्जांपल्स नेचुरल थिंग्स की जो इंसान ने ना बनाए हों और नेचर में मौजूद हों. जी हाँ, वेरी गुड. आपने क्लाउड्स की एग्जांपल दी. भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड. और बहुत अच्छे स्टोन्स, वेरी गुड भाई, वेरी गुड. एंड वाटर, एक्सीलेंट डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट. तो हम ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं और पहला ग्रुप नेचुरल थिंग्स तो हमने क्लियर कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड ग्रुप. अब आपने क्या करना है, अपने घर में मौजूद चीजों के नाम मुझे बताने हैं जो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती हैं. जी हां, बोलें. ओके, वेरी गुड. टेबल, चेयर, वेरी गुड. बुक, भाई एक्सीलेंट. क्यों ना मैं आपको एक बात बताऊं, बताएं कि ये टेबल जो है, चेयर और बुक, क्या खुद ब खुद से इस हालत में मौजूद है, यानी इस शेप में मौजूद है? नो, यानी इनको किसी इंसान ने ये वाली शक्ल दी है. जी हाँ, यही तो मैं आपको बताने जा रहा था कि दूसरे ग्रुप का नाम है मैन मेड थिंग्स. यानी जो थिंग्स का दूसरा ग्रुप है नॉन लिविंग थिंग्स का, वो है मैन मेड थिंग्स. तो मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊंगा? दीज आर मेड बाय मैन. भाई बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट्स, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया. तो अब आप जल्दी से मुझे कुछ एग्जांपल्स बता दें. जी, पेंसिल, वेरी गुड. घर में बेड भी मौजूद है भाई, वेरी गुड.
ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं जल्दी से आपके लिए इसको एक दफा रिवाइज कर दूं कि हमने नॉन लिविंग थिंग्स के दो ग्रुप्स के बारे में बात की है. नंबर वन इज नेचुरल थिंग्स, नंबर टू मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स आर नॉट मेड बाय मैन. एग्जाम्पल्स आर क्लाउड, स्टोन्स, वाटर, और ये एग्जाम्पल मुझे आपने शेयर की, वेरी गुड. सेकेंड ग्रुप इज मैन मेड थिंग्स, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन. एग्जाम्पल्स आर पेंसिल एंड बेड, और जो एग्जाम्पल आपने मुझे शेयर की वो भी मैंने लिख दी, वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर बुक रीडिंग, और आज बुक रीडिंग जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. पेज नंबर 3 से स्टार्ट होगी, थर्ड लाइन से नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में. नेचुरल थिंग्स ये पहला ग्रुप है, एंड मैन मेड थिंग्स, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसके दो ग्रुप हैं, वन एंड टू. नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, ये नेचर में मौजूद होते हैं. दीज आर नॉट मेड बाय मैन, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए. ये देखिए माउंटेन्स की एग्जाम्पल, एंड क्लाउड्स, मून एंड स्टार्स, और वाटर एंड स्टोन्स. मैन मेड थिंग्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, दीज आर मेड बाय मैन. यस, टेबल एंड चेयर फर्स्ट एग्जाम्पल, बुक सेकेंड एग्जाम्पल, एंड टॉय ट्रेन इज द थर्ड एग्जाम्पल, वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर होमवर्क, और होमवर्क के लिए सबसे टॉप पे डे, देन यू हैव टू राइट द डेट, टेक ऑन होमवर्क, टॉपिक इज नन डैश लिविंग थिंग्स, क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल थिंग्स क्वेश्चन मार्क, आंसर इज नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर फुल स्टॉप, दे आर नॉट मेड बाय मैन. भाई बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर तो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो अब आज के लेक्चर को आपने शेयर करना है. यस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़.